हेलो नमस्कार दोस्तों, रिकी मैथ पर आपका स्वागत है। और आज हम पार्ट थ्री से शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 69 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 69 में क्या दिया है? 5 रूट 5 मल्टीप्लाई में 5 की पावर 3 भाग में दिया है 5 की पावर -3/2 और बराबर में दिया है 5 की पावर a+2। तो यहां से इसे लिखेंगे 5 की पावर 1 और इसे लिखेंगे 5 की पावर 1/2 और इसे लिखेंगे 5 की पावर 3 और इसे लिखेंगे 5 की पावर -3/2 और इसे लिखेंगे 5 की पावर a+2। बेस बराबर है, गुणा हो रहा है, तो आपका जुड़ जाएगा, यानी 3 और 1 4 और 4.5। इसे लिख सकते हैं 5 की पावर 9/2 भाग में 5 की पावर -3/2 बराबर है 5 की पावर a+2। बेस बराबर है, भाग हो रहा है, पावर घट जाएगी, यानी 9/2 -3/2। ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा दोस्तों? प्लस का हो जाएगा, क्योंकि हमें करना तो था माइनस, परंतु इस माइनस के कारण क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। 9 और 3 12, 12/2 लिखेंगे तो ये आएगा 6, यानी इसे हम लिख सकते हैं 5 की पावर 6। 5 की पावर 6 बराबर है 5 की पावर a+2 के। ये 2 क्या हो जाएगा दोस्तों? यानी यहां से कह सकते हैं बेस बराबर है तो पावर बराबर है, 6 बराबर a+2। ये 2 इधर माइनस का हो जाएगा आएगा, तो ये 4 बराबर क्या हो जाएगा? a की वैल्यू क्या आ गई? 4। आगे हम क्वेश्चन नंबर 70 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 70 में हमें क्या दिया है? क्वेश्चन नंबर 70 में दिया है 2/3 की पावर x और 3/2 की पावर है 2x और आगे दिया है इसने 27/8। ये दोस्तों क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है और कई बार पेपरों में देखने को मिलता है। यहां से अगर हम कहें यह है सवाल क्या है पावर का और पावर में क्या है x, तो x की वैल्यू हमें ज्ञात करनी है। और वैसे देखें तो यह सवाल क्या है, पूरा सवाल 3 और 2 की पावर में है, यानी इसे हम क्या कह सकते हैं? इसे हम कह सकते हैं 3/2 की पावर 3, यानी 27/8। वैसे देखें तो 3/2 की पावर में है, परंतु ये क्या है? 2/3। इसको क्या करेंगे हम? 3/2 लिख देंगे और पावर क्या हो जाएगी दोस्तों? माइनस में। अगर हम भिन्न को पलट दें तो पावर क्या हो जाती है? माइनस में। और अगर पावर माइनस में हो, भिन्न को पलट दें, तो पावर क्या हो जाती है? प्लस में। यहां से आगे 3/2 की पावर क्या है? 2x और ये होगा 3/2 की पावर 3। बेस क्या है? बराबर है, गुणा हो रहा है, तो पावर जुड़ जाएगी, परंतु इस माइनस के कारण क्या हो जाएगी? माइनस। 2x में से x जाएगा तो क्या आ जाएगा? x, यानी 3/2 की पावर क्या आ जाएगा? x। और यहां से 3/2 की पावर क्या आ जाएगा? 3। यानी बेस बराबर है तो पावर बराबर हो जाएगी, x की वैल्यू आ गई 3। ये इस क्वेश्चन का क्या है? आपका राइट आंसर है। आगे हम क्वेश्चन नंबर 71 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 71 में हमें क्या दिया है दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 71 में हमें दिया गया है 3 की पावर x-1 बराबर किसके है? 81 के। तो x की वैल्यू ज्ञात करनी है। सारा सवाल क्या है? 3 की पावर में। इसे लिखेंगे 3 की पावर x-1 और इसे हम लिखेंगे 3 3 9 81, यानी 3 की पावर 4। यानी यहां से बेस बराबर है तो पावर बराबर, x-1 बराबर क्या है? 4 के। x बराबर किसके हो गया? 5 के। 5 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। आगे हम क्वेश्चन नंबर 72 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 72 में क्या दिया गया है? क्वेश्चन नंबर 72 में दिया है a की पावर x भाग में a की पावर 2 बराबर है 1 के। x की पावर ज्ञात करना है, यानी किसी भी चीज की पावर को किसी भी चीज की पावर से भाग करें तो 1 आता है। यानी 5 की पावर 7 को अगर 5 की पावर 7 से भाग करेंगे तो भी 1 आएगा। अगर 4 की पावर 3 को 4 की पावर 3 से भाग करेंगे तभी 1 आएगा। यानी 1 की पावर 2 को अगर 1 की पावर 2 से भाग करेंगे तभी क्या आएगा? आपका 1 आएगा। यानी x की जगह हम क्या रख सकते हैं? 2 रख सकते हैं दोस्तों। यानी 1 की पावर 2 भाग में 1 की पावर 2, तो क्या हो जाएगा? बेस बराबर है, भाग हो रहा है, तो पावर घट जाएगी, यानी 1 की पावर क्या हो जाएगा दोस्तों? 0। यानी 1 की पावर 0 किसके बराबर आएगा? 1 के बराबर। तो x की वैल्यू हमने क्या रखी है दोस्तों? 2।
तो एक्स वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे हम क्वेश्चन नंबर 73 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 73 में क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 73 में दिया गया है 2 × 3 की पावर x-1 बराबर किसके है, 162 के। अगर पहले कहें तो यह एक सवाल हमें क्या दिखाई दे रहा है, न 2 की पावर में न 3 की पावर में, परंतु यहां से अगर देखें तो यह क्वेश्चन कुछ हमारा देखा हुआ सा लगता है। और यहां से अगर 2 को एक बार छोड़ दें या 2 को ये मल्टीप्लाई में इधर जाकर क्या करेगा, भाग करेगा, तो ये हो जाएगा 2 × 8 = 16, 2 × 1 = 2, यानी ये अब हमारा क्या है, पावर का सवाल है और पावर में क्या है एक्स, यानी सारा सवाल 3 की पावर में है, 3 की पावर x-1 और 3 की पावर क्या हो जाएगा 4, यानी एक्स बराबर क्या हो जाएगा 5, बेस बराबर है तो पावर बराबर हो जाएगी, x-1 बराबर क्या हो जाएगा 4, एक्स बराबर क्या हो जाएगा 5। आगे हम क्वेश्चन नंबर 74 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 74 में हमें क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 74 में हमें दिया गया है 256 की पावर 0.16 या आप कह सकते हैं 0.16। आगे आपको दिया है 256 की पावर 0.9, यानी ये है 6 × 36 = 256, यानी पावर क्या है 3 है, 6 की पावर 3 कह सकते हैं या आप क्या कह सकते हैं 4 की पावर 4 × 16 × 64 × 256, यानी इसे हम कह सकते हैं 4 की पावर 4 और 16 × क्या हो जाएगा 64 0.64, और इसे हम कहेंगे 4 की पावर 4 और 9 × क्या हो जाएगा 36 0.36। तो यहां से क्या हो गया, यहां से 4 बेस बराबर है, गुणा हो रहा है तो पावर जुड़ जाएगी, 36 और 64 को जोड़ेंगे तो 1.00, पॉइंट के बाद जीरो की कोई वैल्यू नहीं होती, तो 4 इस क्वेश्चन का क्या होगा आपका राइट आंसर होगा। 6 की पावर में नहीं होता दोस्तों, क्योंकि 6 × 36 = 216 होता है, नहीं कि 256। आगे हम क्वेश्चन नंबर 75 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 75 में हमें क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 75 में दिया है 7 की पावर 1/2 मल्टीप्लाई में 7 की पावर 3/2, बेस बराबर है, गुणा हो रहा है तो पावर जुड़ेगी, 3/2 और 1/2 3/2 हो जाएगा 4/2 हो जाएगा दोस्तों, 7 की पावर 4/2, क्योंकि हर जब समान हो तो सीधा जुड़ जाता है, 4/2 यहां से आ जाएगा 7 की पावर 2 49 आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे हम क्वेश्चन नंबर 76 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 76 में क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 76 में दिया है 11 की पावर 4/3 मल्टीप्लाई में 11 की पावर 2/3, यानी क्या है यहां से बेस बराबर है, गुणा हो रहा है तो पावर जुड़ेगी, हर बराबर है तो यहां से सीधा जुड़ जाएगा, 4 और 2 = 6, यानी 11 की पावर 6/3 या आप कह सकते हैं 11 की पावर 1/2, यानी इसे आप कह सकते हैं 6 / 1/2 नहीं दोस्तों, 3 से काटेंगे 2 आ जाएगा, 11 का स्केयर आ जाएगा 121। आगे हम क्वेश्चन नंबर 77 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 77 में क्या दिया है, 2 × 9 की पावर 3/2 और बराबर मल्टीप्लाई में दिया है 9 × -1/2 दिया है। यहां से अगर देखें 2 को एक बार छोड़ दें दोस्तों, ये क्या है बेस बराबर है, गुणा हो रहा है तो पावर क्या हो जाएगी जुड़ जाएगी, परंतु इस माइनस के कारण क्या हो जाएगी घट जाएगी, तो यानी 2 × 9 = 3/2 − 1/2, 3 में से 1 गया 2, 2/2 क्या हो जाएगा 1, यानी 2 × 9 की पावर 1 तो आप 9 × 2 = 18 भी कह सकते हैं। आगे हम क्वेश्चन नंबर 78 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 78 में क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 78 में दिया गया है 27 की पावर 2/3 मल्टीप्लाई में 27 की पावर 1/3 और मल्टीप्लाई में 27 की पावर −4/3, यानी यहां से दिया गया है बेस क्या है बराबर है, गुणा हो रहा है तो पावर जुड़ जाएगी, यानी यहां से क्या हो जाएगा 2/3 और 1/3 तो 3/3 यानी हो गया 1,
यानी हम कह सकते हैं कि एक, और एक माइनस कर देंगे चार बटे में तीन, यानी एक माइनस चार बटे तीन करेंगे, तीन एकम तीन, यहां से आ जाएगा माइनस की पावर एक बटे तीन, यानी 27 की पावर है माइनस एक बटे तीन। 27 को आप क्या कह सकते हैं, तीन की पावर तीन, तो तीन की पावर क्या बचा माइनस एक, इसे कह सकते हैं हम एक बटे तीन। अगर दोस्तों यहां से समझ में ना आया हो तो हम 27 को क्या लिख सकते हैं, तीन की पावर तीन, यानी तीन की पावर तीन मल्टीप्लाई में दो बटे में तीन, तीन से तीन कैंसिल होगा, और यहां से होगा आपका तीन की पावर तीन मल्टीप्लाई में एक बटे तीन, यहां से होगा तीन की पावर तीन मल्टीप्लाई माइनस चार बटे में तीन, तीन से तीन कटा, तीन से तीन कटा, बेस बराबर है, गुणा हो रहा है तो पावर जुड़ जाएगी, दो और एक क्या हो जाएगा तीन, यानी तीन की पावर तीन मल्टीप्लाई में तीन की पावर माइनस चार, तो यहां से माइनस वाला बड़ा है तो तीन की पावर माइनस एक, तो इसे कह सकते हैं एक बटे में तीन। आगे हम क्वेश्चन नंबर 79 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 79 में हमें क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 79 में हमें दिया गया है 13 की पावर है चार बटे में, 13 की पावर है चार बटे में तीन, भाग में दिया है 13 की पावर एक बटे में तीन, बेस बराबर है, भाग हो रहा है तो पावर घट जाएगी, चार बटे तीन में से एक बटा तीन जाएगा, तीन बटे तीन, यानी 13 की पावर है तीन बटे तीन को हम लिख सकते हैं जीरो, ना सॉरी दोस्तों एक, क्योंकि प्लस माइनस में जीरो आता है, वैसे तो एक ही आएगा, 13 इस क्वेश्चन का क्या होगा राइट आंसर, क्योंकि चार बटे तीन माइनस कर देंगे एक बटा तीन, जब हर बराबर हो सीधा माइनस होगा, चार में से तीन गए तीन, चार में से एक जाएगा तीन, और तीन बटे तीन एक आएगा। आगे हम क्वेश्चन नंबर 80 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 80 में क्या दिया है, 6 की पावर 2 बटे में 3 मल्टीप्लाई में दिया है 6 की पावर 7 और करणी 3, और नीचे दिया है 6 की पावर 6 और करणी 3। सबसे पहले हम करणी को उठाएंगे तो इसे अंश पावर हर करणी, यानी यहां से हर करणी होगा तो 3 आएगा नीचे, और यहां से क्या आएगा नीचे आएगा आपका 3, यानी बेस बराबर है, गुणा हो रहा है तो पावर जुड़ जाएगी, 7 बटे 3 और 2 बटे 3 ये हो गया आपका 9 बटे 3, यानी 6 की पावर 9 बटे 3 और 6 की पावर 1 बटे 2, यहाँ से काटेंगे तो आएगा 3, यानी यहाँ से हो गया आपका 1 बटे 2 नहीं आएगा दोस्तों, 3 दूनी क्या हो गया 6, यानी 2, 6 की पावर 3 और 6 की पावर 2, 6 की पावर 3 और 6 की पावर 2, बेस बराबर है, भाग हो रहा है तो पावर घट जाएगी 6 की पावर 1, यानी 6 इस क्वेश्चन का क्या होगा आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 81 में दिया है 1000 की पावर 7 में भाग में दिया है 10 की पावर 18, तो आपको इसकी वैल्यू याद करनी है, इसे लिख सकते हैं 10 की पावर 3 मल्टीप्लाई में पावर है 7, तो इसे लिख सकते हैं 10 की पावर 21 भाग में हो गया 10 की पावर 18 बराबर में हमें याद करना है, बेस बराबर है, भाग हो रहा है तो पावर घट जाएगी, यानी 10 की पावर 21 में 10 की पावर 18 घटेगा तो 10 की पावर आएगा 3, यानी 1000 इस क्वेश्चन का क्या होगा राइट आंसर होगा। आगे हम क्वेश्चन नंबर 82 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 82 में हमें क्या दिया गया है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 82 में दिया है 3 की पावर 7 मल्टीप्लाई में दिया है 5 की पावर 7, बेस गुणा हो रहा है, पावर बराबर है तो आपका क्या हो जाएगा बेस मल्टीप्लाई हो जाएगा, पावर वही रहेगी, यानी 3 की पावर 7 और 5 की पावर 7 को लिख सकते हैं 15 की पावर 7, अगर इसके फैक्टर करेंगे तो हम लिख सकते हैं 3 की पावर 7 मल्टीप्लाई में 5 की पावर 7। आगे हम क्वेश्चन नंबर 83 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 83 में हमें क्या दिया गया है, 8 की पावर 11 है मल्टीप्लाई में 5 की पावर 11 है, यानी बेस गुणा हो रहा है तो पावर क्या है बराबर, तो बेस गुणा हो जाएगा, 8 5 40 की पावर 11 क्या होगा राइट आंसर होगा। आगे हम क्वेश्चन नंबर 84 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 84 में क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 84 में दिया है 7 की पावर 11 गुणा 7 की पावर 2, बेस बराबर है, गुणा हो रहा है तो पावर जुड़ जाएगी, 7 की पावर 13 हो जाएगा। आगे हम क्वेश्चन नंबर 85 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 85 में क्या दिया है,
क्वेश्चन नंबर 85 में दिया गया है 9 की पावर 13 है, भाग में दिया गया है 9 की पावर 3, यानी बेस बराबर है, भाग हो रहा है तो पावर घट जाएगी, 9 की पावर 10 क्या होगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। आगे हम क्वेश्चन नंबर 86 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 86 में क्या दिया गया है, 7 की पावर 11 भाग में 5 की पावर 11, बेस बराबर है, सॉरी दोस्तों पावर बराबर है, बेस भाग हो रहा है तो भाग हो जाएगा, यानी 7/5 की पावर हम लिख सकते हैं 11, और इसे अलग अलग करेंगे तो 7/11 में लिख सकते हैं 5/11, यानी 7/5 की पावर 11 क्या होगा, राइट आंसर होगा। आगे हम क्वेश्चन नंबर 87 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 87 में क्या दिया है, जो कि काफी अच्छा क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट भी है। इसमें दिया है 2 की पावर 2 की पावर 3, और इसमें आगे दिया है 2+2 की पावर 3 की पावर 2, ये अगर ब्रैकेट के अंदर बाहर पावर होती तो क्या हो जाती, मल्टीप्लाई, परंतु यहां से पावर का पावर दिया गया है, पहले पावर सॉल्व होगी फिर बेस सॉल्व होगा, यानी 2 की पावर क्या है 3, तो इसे लिख सकते हैं 2 की पावर 8, और इसे लिखेंगे 2 की पावर 9, क्योंकि 3 की क्या है स्केयर, तो 9 हो जाएगा 2 की पावर 9, 2 की पावर 8 क्या होता है 512, सॉरी दोस्तों यहां से क्या होगा 2 की पावर 8 और 2 की पावर 9, यानी 2 की पावर 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2, अगर हम देखें 2 × 4 × 8 × 16 × 32 × 64 × 128 × 256, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, यानी यहां से क्या आ गया 256 × क्या आएगा 512, यानी प्लस में क्या हो गया 512, अगर जोड़ेंगे 6 और 2 8, 5 और 1 6, 5 और 2 7, 768 क्या होगा इसका राइट आंसर होगा। आगे हम क्वेश्चन नंबर 88 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 88 में क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 88 में दिया गया है 3 की पावर 98 मल्टीप्लाई में है, ये डॉट का मतलब है यहां से मल्टीप्लाई, 3 की पावर 5, माइनस में दिया है 3 की पावर 70 मल्टीप्लाई में दिया है 3 की पावर 33, बेस बराबर है, गुणा हो रहा है तो पावर जुड़ेगी, 3 की पावर 105 माइनस में 3 की पावर 103, बेस बराबर, यानी यहां से क्या है बेस माइनस हो रहा है, 3 की पावर 105 में से 3 की पावर 103 जाएगा, तो 3 की पावर क्या बचेगा 2, यानी 9 इस क्वेश्चन का क्या होगा राइट आंसर होगा। सॉरी दोस्तों यहां से कुछ मिस्टेक हुई है, 98 और 5 होता है 103, यानी जब किसी संख्या में से उसी संख्या को घटाया जाए तो क्या आता है 0, यानी 3 की पावर 103 माइनस करेंगे 3 की पावर 103 तो आपका आएगा 0। आगे हम क्वेश्चन नंबर 89 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 89 में क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 89 में दिया गया है 5/4 दिया गया है 5/4, इसे सॉल्व करना है। जब भी पावर क्या हो माइनस में हो तब हम उस भिन्न को चेंज कर देते हैं, यानी हर को अंश बना देते हैं, अंश को हर बना देते हैं, तो पावर क्या हो जाती है प्लस में हो जाती है, यानी इसे लिखेंगे y^4 और इसे x^10, और यहां से क्या होगा प्लस का, तो यहां से 5/4 से मल्टीप्लाई हो जाएगी दोनों पावरों के साथ, तो यहां से 4 से 4 कट जाएगा, और यहां से 2 से 2 × 4 = 2, 5 = 10, यानी y^5/x^25 क्या हो जाएगा 2, जिस भी ऑप्शन में यह दिया गया है वही हमारा क्या होगा राइट आंसर होगा। सॉरी दोस्तों ये क्या होगा पावर भी साथ में चली जाएगी, यहां से क्या होगा मिस्टेक होगी दोस्तों, इसे क्या करेंगे ऊपर नीचे कर देंगे, यानी y^5 क्या हो जाएगा, अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, और इस वीडियो को
ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, अगर कोई डाउट रह जाए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। धन्यवाद दोस्तों।